सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू साइबर गेमिंग। सो गाइस आज के इस वीडियो में मैं जो है आपके लिए माइनक्राफ्ट के कुछ ऐसे टॉप 5 एडोंस लेके आया हूँ जो कि आपके माइनक्राफ्ट सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है एंड बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। तो वीडियो को तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर वॉच करें। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम बढ़ते हमारे फर्स्ट एडोन की तरफ। सो गाइस बढ़ते हमारे फर्स्ट एडोन की तरफ जो कि है यहाँ पर माइनक्राफ्ट बट फॉर सीजन एडोन। एंड इस एडोन में क्या होता है वो जो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर जो यहाँ पर आप नॉर्मल किसी और को तोड़ते हो जैसे कि डायमंड के और को अगर तोड़ से आपको डायमंड मिलेगा ठीक है, पर इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो आप अगर कोई से भी और को तोड़ते हो तो यहाँ पर जो है आपको ओपी ओपी आइटम्स मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो मैंने जो है अभी यहाँ पर आयरन कोर को तोड़ा है एंड इससे जो है यहाँ पर मुझे ये सारी ओपी ओपी आइटम्स जो है वो यहाँ पर मिल गए। एंड इसके अलावा अगर आप किसी और को तोड़ते हो तो उससे भी जो है आपको और भी ओपी ओपी आइटम जो है वो मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो अगर जो मैं सारे और को जो है यहाँ पर तोड़ तो इससे जो है यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे इतने सारे ओपी ओपी आइटम्स मिले जो कि हमें सर्वाइवल में मिल ही नहीं सकते। यहाँ पर आप देख सकते हो। सो गाइस बढ़ते हमारे सेकंड ऑन की तरफ जो कि यहाँ पर माइनक्राफ्ट बट आई हैव मोब पावर्स एड ऑन। एंड इस एड ऑन में बेसिकली क्या होता है, इस एड ऑन में जो यहाँ पर आपको अलग अलग मॉब्स जो है यहाँ पर माइनक्राफ्ट के उनको जो है यहाँ पर आपने मारना है एंड जिससे उनको मारोगे उससे आपको एक उसका हेड मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास कितने सारे हेड पड़े हुए हैं, मतलब की यहाँ पर पिगलिंग का है, आयरन गोलम का है। वैसे यहाँ पर देखो अगर मैं जो यहाँ पर काऊ को मारता हूँ इसका मुझे हेड मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने जो इसका हेड जो है वो यहाँ पर ले लिया है एंड ये जो है यहाँ पर मैंने इन्वेंटरी में भी आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ये आ जाता है तो यहाँ पर जो आपने सबसे पहले यहाँ पर देखो अगर मैं आयरन गोलम के हेड को लूँ एंड इसको अगर खा लूँ, यस खा लो हेड को नहीं करना है, बट इसकी पावर अगर मैं लूँ मेरे पास जो है यहाँ पर आयरन गोलम की पावर आ जाएगी एंड मेरे को आयरन गोलम जो है यहाँ पर बन चुका हूँ एंड अभी आयरन गोलम की पावर से इसको मैं मारूंगा ठीक है। यार क्रिएटिव में मजा नहीं है इसलिए मैं जो यहाँ पर सर्वाइवल में आ चुका हूँ। एंड सर्वाइवल में आने के बाद अब इसकी कुटाई जो है हम चालू करते हैं। भाई ये लिटरली 2 मिनट में जो है यहाँ पर मैंने इसको मार दिया, इससे फिर से जो है यहाँ पर मुझे वो हेड मिल चुका है। एंड अगर मैं यहाँ पर अगर विलेजर की पावर जो है वो यूज करूँ उससे जो है यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे जो है यहाँ पर पूरे के पूरे 3 स्टैक जो है यहाँ पर एमरल्ड के जो है वो यहाँ पर मिल चुके हैं। एंड गाइस अगर जो यहाँ पर मैं विलेजर की पावर यूज करूँ तो इससे जो है यहाँ पर मेरे जो आसपास के ब्लॉक होंगे वो जो है यहाँ पर एमरल्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। एंड अगर जो यहाँ पर मैं ग्लिंग की पावर लूँ तो इससे जो है यहाँ पर मेरे आसपास के जो ब्लॉक है वो जो यहाँ पर गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। भाई साहब ये तो कतई देर एडोन है, इससे जो है यहाँ पर मैं पूरे वर्ल्ड को जो है गोल्ड का कर सकता हूँ। एंड भाई ये एडोन तो बहुत ही ज्यादा मस्त है, इसके लिए तो आपको वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। अगर नहीं किया तो ये एडोन नहीं मिलेगा। मिलेगा यार, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर, बस भाई इतना ही चाहिए मुझे। एंड गाइस अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट एडोन की। सो गाइस थर्ड एडोन में जो यहाँ पर आपको एक हेल्पर देखने को मिल जाएगा जो कि आपके हेल्पर का काम करेगा। जैसे कि आपको कोई सा भी काम कराना है तो वो जो आप इससे कर सकते हो, जैसे कि हंटिंग के लिए भेजना है या फ्री कट करने के लिए भेजना है, माइनिंग करने के लिए भेजना है, तो इसको आप भेज सकते हैं। एंड गाइस इसका एक कैसे लेना है, एक लेग लेने के लिए आपको जो यहाँ पर इन्वेंटरी में जाना है, इन्वेंटरी में जाने के बाद सर्च करना है एंड इसको सर्च करने के बाद यहाँ पर जो वेदर स्केलेटन जो है वो वाला एक जो आपने ले लेना है। जिससे ले लेते हो तो यहाँ पर जो आपको इसको स्पॉन कर देना है एंड स्पॉन करने के बाद यहाँ पर आपको गोल्ड इंगट से जो है इसको जो यहाँ पर हम टेम कर देना है। जिससे टेम कर ले तो आपको आयरन का टूल जो है वो यहाँ पर ले लेना है। जैसे जैसा काम कर वैसा आपको इसको जो यहाँ पर टूल दे देना है। जिससे कि माइनिंग के लिए बिना है तो इसको आपको पिकेक्स जो है यहाँ पर हाथ में पकड़ा देनी है एंड जैसे ही आप इसको पकड़ाएंगे तो ये जो यहाँ पर 2-3 सेकंड में जो यहाँ से गायब हो जाएगा। जिससे गायब हो गया 1 मिनट के बाद फिर से वापस आएगा। तो यहाँ पर मैं दूसरा भी जो यहाँ पर टेम कर दिया है एंड इसको मैं कहाँ पर भेजूँ, ऐसा करता हूँ यहाँ पर इसको ट्री कट करने के लिए भेज देता हूँ एंड ये गया। एंड ये सुबह यहाँ पर जो है ये हेल्पर जो है वो यहाँ पर जा चुके हैं। यहाँ पर जो मैं 2-3 मिनट जो यहाँ पर वेट कर लेता हूँ तब तक ये वापस आए। जिससे वापस आएंगे मैं आपको दिखा दूंगा कि ये जो यहाँ पर कौन कौन से आइटम जो है वो यहाँ पर लेके आए। सुबह हमारा हेल्पर जो है वो यहाँ पर आ चुका है। सबसे पहले इसके पास चेक करते हैं कि ये जो यहाँ पर क्या क्या लेके आया है। तो यहाँ पर देखो ये जो यहाँ पर ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पर लेके आया है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो कोल लेके आया है, लेपिजूली लेके आया है, इसके अलावा एमरेड भी लेके आए हैं। यहाँ पर देखो तीनों हेल्पर जो है वो यहाँ पर ये सारा सामान जो है वो यहाँ पर लेके आए हैं मेरे लिए। एंड भाई इसका काम ये है कि आपका जो भी आप काम करते हो जैसे कि माइनिंग के लिए जाते हो या फिर हंटिंग के लिए जाते हो तो इनको आप भेज सकते हो अपने काम के लिए। एंड ये काफी ज्यादा यूजफुल एंड काफी ज्यादा जो है यहाँ पर अमेजिंग एडोन है, तो इससे आप जरूर से ट्राई करना एंड मुझे बताना कि ये एडोन जो है यहाँ पर आपको कैसा। सो गाइस जब हम बढ़ते हैं हमारे फोर्थ एडोन की तरफ तो इसमें जो है यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के ट्री जो है यहाँ पर देने को मिलेंगे। जैसे कि डायमंड का ट्री, गोल्ड का ट्री, एमरल्ड का ट्री, कोई सा भी
और उसका जो आपको ट्रे देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पर देखो मेरे पास अभी जो एमरल्ड का ट्री है एंड यहाँ पर रेडस्टोन का भी है एंड गोल्ड का भी ट्री है एंड यहाँ पर लेपिस लाजुली का भी ट्री है एंड यहाँ पर डायमंड का भी ट्री है एंड जब जो यहाँ पर और के ट्री जो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एंड इन एक ट्री को लगाने के बाद आपको जो यहाँ पर दो तीन ट्री जो है एक्स्ट्रा जो है आपको मिलेंगे एंड उसको उगाने के बाद और भी आप जो है डायमंड ले सकते हैं। एंड यहाँ पर देखो मेरे पास जो यहाँ पर देखो ये सारी सैपलिंग जो यहाँ पर आ रही है, जैसा जैसा ट्री है वैसी जो मुझे सैपलिंग मिल रही है, इसको उगाने के बाद मैं और भी ज्यादा जो यहाँ पर डायमंड ले सकता हूँ। अब देखो यहाँ पर जो अगर मैं इसके ट्री को जो यहाँ पर माइन करता हूँ उससे मुझे देखो यहाँ पर दो डायमंड जो यहाँ पर मिल चुके हैं एंड अगर जो यहाँ पर मैं एमरल्ड को माइन करूँ इससे भी जो यहाँ पर मुझे दो एमरल्ड जो यहाँ पर मिल चुके हैं यहाँ पर आप देख सकते हो एंड इससे जो यहाँ पर मुझे सैपलिंग भी मिली एंड अगर सैपलिंग को मैं लगाऊं एंड ग्रो करूं उससे मुझे और भी ज्यादा एमरल्ड मिलेंगे। तो आप सभी इस एडन को तो जरूर से ट्राई करना क्योंकि ये एडन तो काफी ज्यादा मस्त है एंड ये आपके माइनक्राफ्ट सर्वाइवल के लिए एंड आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो इस एडन को जरूर से ट्राई करना एंड अब बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ एंड लास्ट एडन की तरफ जो कि जो हमारे यहाँ पर लास्ट एडन आता है वो ही यहाँ पर माइनक्राफ्ट बट मोर टूल्स एंड आर्मर एडन एंड इसमें जो आपको अलग अलग तरह की जो यहाँ पर आर्मर देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कितने ज्यादा प्यारा प्यारा आर्मर जो यहाँ पर देखने को मिलते हैं एंड इसके लिए आपको जो यहाँ पर 900 से भी ज्यादा जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कितने ज्यादा इंटरेस्टिंग जो यहाँ पर टूल एंड भाई यहाँ पर आपको पूरे के पूरे आर्मर एंड टूल्स जो है यहाँ पर साथ साथ देखने को मिलेंगे। ये देखो भाई कितने ज्यादा मस्त जो यहाँ पर दिखे एंड इसको अगर आपको ट्राई करना है तो इसका लिंक भी जो है आपको पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा, वहां से जाकर इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर देखो मैंने अभी वार्डन का आर्मर जो है वो यहाँ पर पहन लिया एंड पीछे आप आर्मर तो देख सकते हो कितने ज्यादा मस्त मस्त आर्मर जो है वो यहाँ पर पीछे पड़े हुए हैं। सो गाइस आपको आज की ये वाली वीडियो अच्छी लगी मुझे कमेंट जाकर जरूर बताना, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके फिर जाना। सो गाइस मैं मिलता हूं कमेंट आपकी ऐसी मदद वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।